विधिवत रूप से बैठक शुरू होगी। हालांकि तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो तकरीबन 11:30 में वो बैठ चुके थे, बस इंतजार हो रहा था हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास में, पटना हवाई अड्डे पर उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। बिहार सरकार के कई मंत्री उनके स्वागत में तैयार रहे और अब मुख्यमंत्री इस वक्त हेमंत सोरेन बिहार के मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में पहुंचे हैं और यह बैठक विधिवत शुरू हो चुकी है। तमाम विपक्षी शुरू हो चुकी है शैलेंद्र, अब सियासत इस रूप में शुरू हो चुकी है कि बीजेपी अब ये कह रही है कि धन बल का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक को बुलाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और तभी इस नेक संवाद में इस तरह का पूरा प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए बैठक को आयोजित कराया गया है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को भी एक कहीं न कहीं निशाना साधने के लिए मौका मिल गया है, क्योंकि ये जो बैठक हो रही है यह बैठक एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हो रही है और पूरा जो तंत्र है सरकार का वो तंत्र इस बैठक की सफलता में लगा हुआ है। पूरा मुख्यमंत्री आवास जो है वो उसके चप्पे चप्पे बाहर के जो इलाके पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। बैठक के अंदर कोई भी बात लीक न हो, कोई भी बात बाहर ना आए, इसकी खास इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर बैठक मुख्यमंत्री आवास में भी इसी को लेकर के बुलाई गई ताकि बातें उस कमरे से निकलकर बाहर न जा सके। सिर्फ बैठक में भी, जिस कमरे में बैठक चल रही है वहां भी पार्टी के जो जितने भी पार्टी के अलग अलग बिल्कुल।